हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने यूनिट 7 में आपको रेजिलेंस के बारे में बताया गया था, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में बताया गया था। उसके बाद कुछ और डिफिनेशन बताया गया था। आज हम लोग टफनेस का डिफिनेशन देखेंगे और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका जो रिलेशनशिप है रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रूफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इन सब चीज़ का हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, जो भी अपना डिफिनेशन था उस डिफिनेशन का हम लोग रिवीजन कर लेंगे। क्या है डिफिनेशन? सबसे पहले हम लोग रेजिलेंस को देखेंगे। रेजिलेंस क्या है आपका? रेजिलेंस को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। हम लोग रेजिलेंस के बारे में देखेंगे। रेजिलेंस क्या है? पिछले लेक्चर में ही बताया गया था को रेजिलेंस क्या है। तो इसका डिफिनेशन लिखा गया है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज कॉमनली नोन एज रेजिलेंस। नॉर्मल आप एक डिफिनेशन बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है, कोई बॉडी आपका टोटल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका रेजिलेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी का 3 डिफिनेशन आपको दिया गया है। टोटल 3 डिफिनेशन दिए गए हैं रेजिलेंस का। 3 डिफिनेशन दिया गया है आपका। पहला तो ये था, जनरली आप बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो स्टोर हो गया बॉडी में वो आपका रेजिलेंस है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, वेन इवर स्ट्रेनिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रेन बॉडी द बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, एक ये भी डिफिनेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, रेजिलेंस इज आल्सो डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से बताया गया था, डायग्राम से बताया गया था कि किस टाइप में, किस तरह से आपका रेजिलेंस कहलाएगा, उसका डिफिनेशन क्या होगा, अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, अभी आपको रिवीजन के लिए सिर्फ डिफिनेशन बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रूफ रेजिलेंस क्या है। प्रूफ रेजिलेंस किसको बोलते हैं हम लोग? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी इन कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, या फिर अदर डिफिनेशन बोल सकते हो आप, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विल बी मैक्सिमम व्हेन बॉडी इज स्ट्रेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आगे चल के देखेंगे फिर से हम लोग प्रूफ रेजिलेंस का ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ में कैसे होता है। ठीक है, मॉडुलस रेजिलेंस का क्या था डिफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टफनेस के बारे में देखेंगे, टफनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद मॉडल से टफनेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखो टफनेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टफनेस के बारे में देखेंगे। टफनेस का देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोडिंग जस्ट बिफोर फेलियर ग्राफिकली। ठीक है, कहने का मतलब टफनेस जो होता है अपना, वो किसके लिए डेवलप करते हैं? टफनेस जो होता है वो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए होता है। आप लोड के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आपको बताए थे, तीन तरह के लोड के बारे में बताए थे, थ्री टाइप्स थे आप लोड के। पहला क्या था आपका? ग्रेजुअली लोड था। ठीक है, दूसरा आपका था सडन लोड था। तीसरा आपका क्या था? इम्पैक्ट लोड। इस तीनों लोड के बारे में बताया गया था, इम्पैक्ट लोड। ये 3 लोड के बारे में आपको अच्छे से बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जो भी नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको तीनों लोड के बारे में पता चल जाएगा। टफनेस में क्या होता है? टफनेस में इम्पैक्ट लोड को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, टफनेस जो होता है किसी भी बॉडी का जो टफनेस होगा वो इम्पैक्ट लोड के कारण होगा। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? तो कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी है, कोई किसी हाइट से मान लो यहाँ से कोई बॉल है, ये बॉडी है, ये बॉल है, ये बॉल जिस पे हिट करेगा, इस पे हिट करेगा जो फोर्स, जो लोड डेवलप होगा, ठीक है, उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट लोड। ठीक है, इस लोड क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट लोड। ठीक है, टफनेस क्या होगा? टफनेस क्या होगा?
इम्पैक्ट लोड के कारण उस बॉडी में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टफनेस कहेंगे, ठीक है, बिफोर फेलियर तक, ठीक है। जनरली जैसे मान लो ये डायग्राम है आपका, जनरली ये मान लो ये डायग्राम है पी और लोड और डिफ्लेक्शन के बीच, ये आपका लोड रहता है, ये आपका लोड है, ये आपका क्या है, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है। ये मान लो किसी जनरल मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ये आपका जनरल कोई ग्राफ है, ठीक है, अप टू फेल्योर तक, ये आपका फेल्योर पॉइंट है, फेल्योर पॉइंट है, ये आपका फेल्योर पॉइंट है, ठीक है, फेल्योर पॉइंट है। तो जो जो बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, इस पर मान लो इतना इम्पैक्ट लोड लगा कि ये बिफोर फेल्योर से जो स्टोर किया है, ये सब एनर्जी जो स्टोर किया है, ये जो एनर्जी स्टोर किया है बिफोर फेल्योर तक, ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग टफनेस कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, बिफोर फेल्योर से जितना भी एनर्जी स्टोर करेगा ये बॉडी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे, ठीक है। टफनेस किसके कारण होगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा टफनेस किस लोड के कारण होता है, तो टफनेस आपका इम्पैक्ट लोड के कारण होता है, टफनेस किसके कारण होता है, इम्पैक्ट लोड के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ टफनेस है, ये स्ट्रेन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में लिखा हुआ, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया था, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इंटरनल एनर्जी के कारण होता है, इंटरनल एनर्जी कहाँ से आता है, तो वर्क डन से, ठीक है, वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये आपका बॉडी था, इस पर पी लोड लगा, तो पी लोड लगने के बाद क्या हुआ, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो गया, इसका लेंथ पहले एल था, अब लेंथ क्या हो गया, लोड लगाने के कारण एल प्लस डेल्टा आ गया, तो जो चेंज आया, जो लेंथ जो चेंज आया, जो डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, वो उसके कारण किसके कारण आया, इस लोड के कारण आया, लोड जो लोड के कारण आया, तो वो किसके, एक्सटर्नल वर्क के कारण आया, ठीक है। जो एक्सटर्नल वर्क इज, जो लिखा हुआ देखो, एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय लोड पी, ठीक है, लोड पी के कारण जो एक्सटर्नल वर्क आता है, ठीक है, उसके कारण जो आपका स्टोर एनर्जी जो स्टोर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यही पॉइंट आपको समझाया गया, लिखा गया है, ठीक है। टफनेस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि टफनेस किस लोड के कारण डेवलप होता है, तो इम्पैक्ट लोड के कारण डेवलप होता है, ठीक है। अब देखो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस, इसका डेफिनेशन दिया हुआ, इट इज डिफाइंड एज टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी पूछेगा मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है, सीधे से बोलोगे कि टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वही आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस होगा, ठीक है। टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग किसी को किसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली हमको इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, अप टू फेल्योर तक, ठीक। लिखा हुआ इट इज रिप्रेजेंट बाय एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फेल्योर, ठीक है। ये जो हम लोग फेल्योर लिए थे, ये फेल्योर वाला जो पॉइंट लिए थे, अप टू फेल्योर तक हम लोग टफनेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस को, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ क्या है, देखो यही ग्राफ है आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस का, ये आपका क्या है, स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका फेल्योर है, फेल्योर लिमिट है, फेल्योर लिमिट है, ठीक है। ये जो आपका मोमेंट ऑफ जो टफनेस है आपका, वो क्या होता है, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जो आपका टफनेस निकलेगा, इस पर मान लो कोई ये आपका बॉडी है, ठीक है, इस पर मान लो कोई इम्पैक्ट लोड लगा, मान लो कोई बॉल से, यहाँ बॉल से मान लो किसी हाइट से बॉल इस पर गिरा, इस पर मान लो इम्पैक्ट लोड लगा, इस इम्पैक्ट लोड के कारण इसमें टफनेस, इस इम्पैक्ट लोड के कारण क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, या तो इस बॉल के कारण ही इस पर मान लो कि या तो शेप में चेंजिंग आ जाए या फिर टूट जाए, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इसमें आपका एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर होगा, जो जितना टोटल एनर्जी स्टोर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉडी का टफनेस बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे, ठीक है। टफनेस को जो हम लोग इस पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे,
यही आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ टफनेस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सीधे से रिलेशन है, एक रिलेशन है, नोट में लिख लेना तुम लोग, ये याद रखने के नाम क्वेश्चन में कुछ भी सकता है। हायर द टफनेस, हायर द टफनेस, मान लो जिस बॉडी का टफनेस ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, उस बॉडी का डक्टिलिटी जो होगा वो आपका ज्यादा होगा। ठीक है, लिखा हुआ हायर द टफनेस ऑफ ऑफ द मटेरियल मोर इट विल बी कंसीडर एज डक्टाइल। ठीक है, जो बॉडी का टफनेस ज्यादा होगा, मान लो किसी ये बॉडी है आपका, ये बॉडी है आपका, इस बॉडी का मान लो टफनेस ज्यादा है, 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 तो इस ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी आपका, इस बॉडी का डक्टिलिटी भी आपका ज्यादा होगा, ये बॉडी का डक्टिलिटी या ये बॉडी ज्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, सीधा सा रिलेशन है, जो बॉडी का टफनेस ज्यादा है उसको उसका डक्टिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी ये लोड एरिया, लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व है, लोड डिफ्लेक्शन का कर्व है, दो कर्व दिया हुआ है, ये मान लो ये कर्व आपका ए कर्व है, यहाँ तक है, ये कर्व आपका है बी कर्व। ठीक है, इसका टफनेस इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक है, और इसका टफनेस इस पॉइंट तक है, तो कौन सा बॉडी आपका मोर डक्टाइल होगा। ठीक है, कौन सा बॉडी मोर डक्टाइल होगा, तो ये जो आपका टफनेस है, जिसका टफनेस ज्यादा है, ये टीबी है, ये मान लो इसका टफनेस टीए है। ठीक है, तो इस बॉडी का देखो टफनेस ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा डक्टाइल है, ज्यादा डक्टाइल है, ये कम डक्टाइल है। ठीक है, तो टीबी का जो टफनेस ज्यादा है, तो कहने का मतलब आपका जिसका टफनेस ज्यादा है उसका डक्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वही बात लिखा हुआ, टफनेस ऑफ बी पॉइंट का ज्यादा है, टफनेस ऑफ ए बॉडी का आपका कम है। ठीक है, जिसका टफनेस ज्यादा है उसका डक्टिलिटी ज्यादा है, इसीलिए लिखा है बी इज मोर डक्टाइल देन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो रेजिलेंस है, रेजिलेंस पहले भी आपको बताए थे, अब रेजिलेंस का ग्राफ से समझो, रेजिलेंस का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ से थोड़ा समझेंगे हम लोग, देखो रेजिलेंस क्या होता है। अब देखो रेजिलेंस कैसे इसको डिफाइन करेंगे, रिलायंस क्या होता है, रिलायंस को देखो, इट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इलास्टिक लिमिट तक नहीं, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब इलास्टिक लिमिट से थोड़ा कम, थोड़ा कम। ठीक है, ये जो आपका एनर्जी स्टोर दिख रहा है, ये एनर्जी स्टोर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिलेंस कहते हैं। ठीक है, ये कर्व जो बना हुआ है आपका, ये आपका लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व बना हुआ है। ठीक है, जब भी हम रेजिलेंस को पूछेगा क्वेश्चन में, ये रेजिलेंस का जो कर्व बनता है वो किसके किसके वर्सेस बनता था, वो आपको बताना है किस लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन के बीच बनता है। ठीक है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन के बीच बनता है कर्व। ठीक है, तो याद रखना कि रेजिलेंस कोई भी पूछेगा तो एक पॉइंट याद रखना कि स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर जो स्टोर होता है एनर्जी, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेजिलेंस कहलाता है। रेजिलेंस जो होता है वो स्टैटिक लोड के लिए होता है, या फिर ग्रेजुअल लोड के लिए, या फिर सडन लोड के लिए। ठीक, तीनों तीनों के लिए रेजिलेंस डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो प्रूफ रेजिलेंस क्या है, नॉर्मल से डिफ्लेशन है, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक, इलास्टिक लिमिट तक जो आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा इस बॉडी में, इलास्टिक लिमिट तक, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रूफ रेजिलेंस कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल से डिफ्लेशन है, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, अब देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस देखेंगे। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज प्रूफ रेजिलेंस यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। फिर वही है, जो प्रूफ रेजिलेंस, जो आपका वैल्यू प्रूफ रेजिलेंस का वैल्यू जो निकलेगा, रेजिलेंस का वैल्यू जो निकलेगा, उसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंट से, वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक
ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहेंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है, अप टू द इलास्टिक लिमिट, ये भी आपको अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही इसमें एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एज कंपोनेंट। ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो, सॉरी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का कोई भी डिफिनेशन पूछेगा, क्या बताना है, प्रूफ रेजिलेंस अप टू द इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे इस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस या रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होगा, या किसी बॉडी पे मान लो इलास्टिक पॉइंट और यील्ड पॉइंट और आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एक पॉइंट पे हो जाएगा तब उसका क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो ये लिखा हुआ, अगर आप मान लो आपका इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट अगर किसी एक पॉइंट पे लाया करे, कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पे, मान लो किसी, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है, कुछ इस टाइप का होता था। ठीक है, कहने का मतलब जब आपका कोई बॉडी है, जब आपका बॉडी यहाँ पे मान लो इलास्टिक लिमिट या यील्ड लिमिट या फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये तीनों पॉइंट किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा, मान लो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तब इसका रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, कुछ पहले आपका एजेप्शन है, उसको एजेप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। एजेप्शन जनरली एक नंबर के क्वेश्चन में बराबर बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो एजेप्शन याद रखना जरूरी है। ठीक है, पहला एजेप्शन क्या है आपका, नो लॉस ऑफ एनर्जी। पहला एजेप्शन क्या है, जब हम लोग इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यील्ड लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या करना है, नियरली सेम लेना है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे ही लेना है। कहने का मतलब ये मान लो किसी इलास्टिक लिमिट है, ये आपका यील्ड लिमिट था, ये लोअर यील्ड था, ये अपर यील्ड था, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको क्या करना है, तीनों पॉइंट का नियरली किसी एक पॉइंट पे सेम लेना है। ठीक है, उसके बाद जो कर्व बनाएंगे हम लोग, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व बनाएंगे, या फिर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाएंगे। ठीक है, वो कर्व कैसा होना चाहिए, वो कर्व आपका लीनियर होना चाहिए अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, या आप अप टू इलास्टिक लिमिट बोलो, या आप अप टू यील्ड लिमिट, या अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्योंकि तीनों पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं, एक पॉइंट पे कंसिडर कर लिए हैं, तीनों पॉइंट को हम लोग किसी एक पॉइंट पे कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, ये जो कर्व होगा वो पूरा कैसा होगा आपका, वो आपका पूरा लीनियर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लीनियर होना चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है आपका, इजिप्शियन में स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिक लिमिट इज यील्ड, मतलब कि जो आपका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिक लिमिट इज यील्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब इलास्टिक लिमिट का जो स्ट्रेंथ होगा वही आपका यील्ड स्ट्रेंथ का भी लिमिट होगा। ठीक है, अब देखो चलते हैं सीधा टॉपिक पे, ये कर्व कैसा है आपका, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट का मान लो, इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लिए, इस पॉइंट को, ये ग्राफ कैसा है आपका, लीनियर है, टोटल लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है आपका, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, इस कंडीशन क्या हो रहा है, जो आपका लोड है, लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो ये कर्व है, ये कर्व क्या है आपका, पूरा स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है पूरा। ठीक है, अब देखो बॉडी है, अब कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है आपका, इस पर लोड लग रहा है पी। ठीक है, लोड लगने के कारण क्या हो रहा है, इसका लेंथ में चेंजिंग आ गया, कितना चेंजिंग आया, ये डेल्टा चेंज आया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका एरिया ए है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब इसमें हम लोग देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो रेजिलेंस क्या होता है आपका 1/2 हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, रेजिलेंस का ये फॉर्मूला आप याद रखना, किस क्या होता है, यू इक्वल टू
वन बाई टू इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है रेजिलियंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किए हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है अपना, लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। लोड कितना है अपना, पी है। एरिया कितना है, एरिया आपका ए है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो अपना लोड निकल गया यहां से, लोड कैलकुलेट कर लिया हम लोग, ठीक है। अब देखो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब देखो हम लोग चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अब स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेन आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल, ठीक है। तो यहां से चेंज इन लेंथ कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू कितना आता है, ई इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, ठीक है, स्ट्रेन इंटू लेंथ, ठीक। अब ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा इक्वेशन है आपका स्ट्रेस वाला, जो इक्वेशन था जो हम लोड निकाले थे, पी इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। ये क्वेश्चन नंबर वन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका थ्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका रेजिलेंस का जो फॉर्मूला था, वन बाय टू इंटू पी इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर वन था आपका, जो आप टू और थर्ड का जो वैल्यू निकाले हैं, पी का और रिफ्लेक्शन का, लोड का, इसको हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी का लू कितना है आपका, सिग्मा इंटू ए, पी टू यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, सिग्मा इंटू ए है आपका, सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए पुट कर दिए। और डेल्टा कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है आपका, डिफ्लेक्शन आपका है एप्सिलॉन एल है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा यू इक्वल टू वन बाय टू इंटू सिग्मा, हमको एप्सिलॉन के इधर ले आते हैं, एप्सिलॉन इंटू ए इंटू एल, ठीक है, ए इंटू एल। अब देखो एरिया का जो हम लोग, एरिया को हम लोग अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कहेगा, एरिया का जो हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। जब भी आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं या हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया इंटू लेंथ आया है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो एक देखो नया फॉर्मूला फिर से बन गया रेजिलेंस का, वन बाय टू इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिया रहेगा, बोलेगा कि रेजिलेंस कैलकुलेट कीजिए, आपको स्ट्रेस दिया रहेगा, स्ट्रेस का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, स्ट्रेन का वैल्यू दिया रहेगा, और आपका वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा आप इस फॉर्मूले से रेजिलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, हुक्स लॉ क्या था अपना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन होता था। जब प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते थे तो ई आ जाता था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था, ठीक है। तो यंग्स, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो यहाँ से स्ट्रेन क्या आएगा, अब यहाँ से स्ट्रेन आ गया आपका स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन छः को चार में पुट कर देंगे, ठीक है। ये चार नंबर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, सिग्मा वाई ई है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू पुट किए, कितना आया, वन बाई टू इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा वाई ई इंटू वॉल्यूम, ठीक है, सिग्मा इंटू वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब देखो स्ट्रेन इक्वल टू, यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला सिग्मा का स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि मान लो कि से स्ट्रेस जो दिया हुआ है आपका 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि से ई का वैल्यू आपका कुछ दिया हुआ है, 2 × 10⁵ दिया हुआ है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो आपका वॉल्यूम यहाँ से कुछ दिया हुआ, जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा
तब तक आप कैसे कैलकुलेट कीजिए? आप बोलेगा आपको रेजिलेंस कैलकुलेट कीजिए, रेजिलेंस का कितना होगा, रेजिलेंस कितना होगा, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सीधे आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपका रेजिलेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या था अपना, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन था। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 5 को हम लोग 4 में पुट कर देंगे, ठीक है? आप देखो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सिग्मा क्या है, सिग्मा का वैल्यू क्या क्या है, ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है? तो 1/2 इंटू ई इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, यू कैल टू ई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन 2, ठीक है? ये आपको फिर एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है? उसके बाद प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, देखो प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस का डिफिनेशन हम लोग देखे थे, क्या होता है, रेजिलेंस, रेजिलेंस, रेजिलेंस अपॉन होता है वॉल्यूम, यही होता है ना जी, रेजिलेंस जो पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं वही तो आपका प्रूफ रेजिलेंस कहलाता था, ठीक है? अब देखो यहां से रेजिलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, आपने रेजिलेंस यहां से कैलकुलेट कर लिया, मान लो यही वैल्यू ले लो, ये आएगा आपका सिग्मा वाई स्क्वायर 2e इंटू वॉल्यूम, ठीक है? इसको क्या करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, सॉरी प्रूफ रेजिस्टेंस क्या होता था, अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता था, अप टू इलास्टिक लिमिट, ये आपको अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता था, ये आपका प्रूफ रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस जो होता था वो आपका रेजिलेंस अप, रेजिलेंस अप टू वॉल्यूम होता था, ठीक है? या मॉडुलस ऑफ जो रेजिलेंस होता था वो आपका प्रूफ रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम होता था, ठीक है? ये अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट ये पूरा वाई है, पूरा पूरा का पूरा वाई आ जाएगा, इसलिए सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी ले लिए, ठीक है? पूरा वाई आ गया, ठीक है? रेजिलेंस जो होता था आपका इन होता था, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर लेते थे हम लोग, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ जो टफनेस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है? मॉडुलस मॉडुलस ऑफ टफनेस में क्या करते थे हम लोग, सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा तो ये आपका ये बच जाएगा टोटल, ये आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी आ जाएगा, ठीक है? सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी अपॉन वी, ये कट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e आ जाएगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आपके टॉपिक में शायद यूनिट 7 में इतना ही दिया हुआ है सिलेबस में पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको क्वेश्चन प्रोवाइड दिया जाएगा असाइनमेंट के लिए, तो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।